कोटा सेंट्रल के जेल अधीक्षक सुमन मानिवाल के कार्य की सराहना करते हुए राजस्थान कारागार विभाग के महानिदेशक एनआरके रेड्डी ने जेल अधीक्षक को विशिष्ट अलंकरण डीजे डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया। इस मौके पर डीआईजी रविदत्त गौड़ ने केंद्रीय कारागृह कोटा पहुंचकर जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल को इस सम्मान के साथ अलंकृत किया। इसी के साथ उन्हें सम्मान के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना की। डीजी डिस्क से सम्मानित किया गया है। कोटा केंद्रीय कारागृह पर मैं लगभग 2 साल से पदस्थापित हूँ और इस पदस्थापन के दौरान कोटा में जेल की उद्योगशाला में हमने बहुत ज़बरदस्त जो है प्रोटेक्शन किया है। बंदियों को लगभग 5,000 श्रम दिवस का रोज़गार उपलब्ध करवाया है। साथ ही हमने कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी किए उद्योगशाला में, जैसे होम केयर प्रोडक्ट, मसाला उत्पादन, इसको भी काफ़ी जो है सराहना मिली है और काफ़ी इसको लाइक किया गया है। उससे बंदियों को रोज़गार मिला है, महिला बंदियों को भी इसमें रोज़गार में इजाफा हुआ है। साथ ही हमने सिलाई के मामले में जो स्ट्रिचिंग वाला पार्ट है उद्योगशाला का, उसको काफ़ी इम्प्रूव किया, जिसमें जॉब वर्क भी हमने लिया है। और महिला बंदियों के लिए भी हमने सिलाई की कक्षाएं लगाई हैं, उसमें कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज उनके लिए चलाए हैं। एक कोर्स यहाँ जो RSLDC के माध्यम से हमने प्रारंभ किया था, केरला आयुर्वेदिक एंड पंचकर्म थेरेपी, उसमें हमने 144 बंदियों को प्रशिक्षण दिया। शिक्षा के क्षेत्र में हमने 443 बंदियों को हमने अब तक साक्षर किया है और 300 बंदियों को हमने इग्नू के माध्यम से उनको रजिस्टर करवा के हायर एजुकेशन से जोड़ा है। निश्चित रूप से सम्मान तो जो है नेतृत्व का होता है, लेकिन एक्चुअल में कार्य जो होता है वो तो कर्मचारियों का होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, मेरी रीढ़ की हड्डी मेरे स्टाफ है, जो कि मेरे जेलर्स से लेकर कॉन्स्टेबल तक जिसमें शामिल हैं।